हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर अरेबिक कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से जिसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं सो so वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें सो so गाइस ये रहा स्क्रीन पर मेजरमेंट इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुर्ती रेडी करनी है और ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने तीन मीटर डाइनिंग फैब्रिक लिया है जिसकी विथ है फोर्टी इंच इस तरह से अर्ज़ है इसका और जो ये लंबाई है इसकी तो ये हमारी है 44 इंच डबल फोल्ड करके किनारे वाली साइड से अब हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है यानी जो हमारा फ्रंट का पर्दा होगा उसकी लेंथ में 40 इंच लूँगी इस तरह से और बैक वाले लेंथ को हम चार इंच एक्स्ट्रा करेंगे सो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे सो फोर्टी इंच की लेंथ पर हमारा ये फ्रंट वाला पर्दा बनेगा और जो 44 इंच की लेंथ पर है ये हमारा बैक वाला पर्दा बनेगा अब देखिए इसको हम जो हमारा बैक वाला पर्दा है इसको डबल फोल्ड कर देंगे ये ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है एंड इसके ऊपर अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट रखना है सो so, इसकी जो फोल्ड वाली साइड है वो हमने इसके अपोजिट रखनी है यानी बैक वाले फोल्ड वाली साइड में हमने फ्रंट वाली वो ओपन साइड रखनी है इस तरह से अब देखिए यहाँ से हम लगभग दो इंच पर मार्क करेंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है सो ओपन साइड में हम दो इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से सो so, ये हमारा काज बटन पट्टी बनेगी दो इंच जो हमने मार्क किया है अब यहाँ से इसको फोल्ड करके मैं पिन लगा दूँगी सो so, इस तरह से लगभग दो इंच के कपड़े को हम ओपन साइड से जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया है और इसमें हमने पूरी लेंथ में पिन लगाकर इसको सेट कर देना है आप चाहे तो यहाँ पर आयरन लगा करके के भी इसको सेट कर सकते हैं सो so, मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया है इस तरह से इसके बाद हम बैक वाले पर्दे पर ऊपर की तरफ एक इंच का मार्क करेंगे यहाँ से इस तरह से अब देखिए इस मार्क के ऊपर हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट रखना है यानी जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो एक इंच नीचे की तरफ रहेगा इस तरह से क्योंकि हमने इसमें कॉलर बनानी है सो so, कॉलर बनाने के लिए इसका जो शोल्डर है वो भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो साढ़े सात इंच पर मार्क किया है इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे जो होगी सैवन इंच इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे और ऊपर की तरफ भी सीधा सीधा मार्क कर देंगे और दूसरा मार्क हमारा वेस्ट की लेंथ का होगा और जो ये थर्ड मार्क होगा हमारा वो हिप की लेंथ का होगा सो so, हिप की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं ट्वेंटी वन इंच की लेंथ पर हिप का मार्क करूंगी अब इस वाले पॉइंट से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और मार्क कर देंगे और आगे की तरफ हम सिमिंग अलाउंस ले लेंगे इसी तरह से हम अपने वेस्ट का राउंड जो है फोर्थ पार्ट करेंगे और यहाँ से भी दो इंच का मार्जिन ले लेंगे एंड हिप के लिए हम थोड़ा लूज लेंगे सो so यहाँ पर हिप का फुट पार्ट प्लस एक इंच लूजिंग के लिए इस तरह से मार्क कर देंगे और आगे की तरफ इसके लिए हम लगभग एक से डेढ़ इंच सीमिंग लाउंस ले लेंगे अब इन मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे सो so ये जो मार्क है हमारे कटिंग के मार्क है और ये वाले जो मार्क है हमारे ये फिटिंग के मार्क है इसके बाद बैकार महल की मार्किंग करेंगे और आधा से एक इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरह से अब यहाँ से हम अपने नेक की विट लेंगे सो नेक की विट मैं सवा तीन इंच लूँगी और बैक नेक की लेंथ एक इंच रहेगी और इस तरह से इसको शेप दे देंगे इसके बाद फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे जो सवा तीन इंच ही रहेगी और नीचे से भी एक, एक, एक सवा तीन इंच का बॉक्स बनाकर इस तरह से इसमें हम अपने कॉलर के लिए नेक की शेप दे देंगे सो यहाँ पर हम शर्ट कॉलर बना रहे हैं अब देखिए हमने इसके फ्लेयर का मार्किंग करनी है सो जितना भी हमने हिप की फिटिंग ली है उससे तीन इंच एक्स्ट्रा हम इसके फ्लेयर लेंगे सो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर हिप की फिटिंग ली है तो 14 इंच पर मैं इसका फ्लेयर बनाऊँगी यानी जो इसका घेरा होगा उसको मैं 14 इंच पर मार्क करूंगी और आगे की तरफ एक इंच अलाउंस ले लूँगी इस तरह से अब ऊपर की तरफ लगभग हम चार इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने नीचे से गोलाई देते हुए इस तरह से शेप दे देनी है इसके बाद दोनों सीमिंग अलाउंस को इंच टेप से एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से अब आगे की तरफ हमारा दो इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है और जो हमारा स्लिट रहेगा वो टेन इंच पर रहेगा आप इसकी स्लिट की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं सो मैं यहाँ पर टेन इंच पर इसकी स्लिट ओपन करूँगी इस तरह से अब यहाँ से आगे की तरफ दो इंच पर मार्क करेंगे और इस फैब्रिक को हम यानी दो इंच फैब्रिक को नीचे तक पूरा ले लेंगे इस तरह से अब इसको भी हमने ऊपर यहाँ मिला देना है अब देखिए ये हमारा फ्रंट का सामने वाला दामन है सो इसकी कटिंग कर लेते हैं इसके बाद हम अपने बैक वाले दामन की गोलाई देंगे सो बैक वाला दामन हमारा थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है सो इसकी शेप आप देख सकते हैं इसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ ला मिला देना है सो ये लगभग हमारी कुछ कर्व शेप में आएगा इसका दामन और बैक वाला पर्दा हमारा चार इंच एक्स्ट्रा है सो यहाँ तक हमने बराबर रखना है नीचे से इसकी लेंथ को हमने चार इंच इस तरह से बढ़ाया है आप इसकी लेंथ को पाँच से छः इंच भी बढ़ा सकते हैं सो मैंने यहाँ पर लगभग चार इंच बढ़ाया है इसके बाद हमने अपने शोल्डर डाउन करने हैं सो एक इंच पर फ्रंट वाले पार्ट में मार्क करेंगे और एक इंच हम बैक वाले पर्दे में इस तरह से अपना शोल्डर डाउन कर लेंगे सो एक इंच की लेंथ पर हमने ये शोल्डर डाउन किए हैं इसके बाद इसकी कटिंग करनी है तो सबसे पहले मैं बैक वाला पार्ट कट करूँगी सो so, बैक नेक की लेंथ एक इंच सी इसके बाद शोल्डर कट करेंगे और इसके बाद अब हमने अपना फ्रंट वाले नेक की गोलाई देनी है इस तरह से और इसकी कंधी भी साथ में हमने कट कर लिए अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और जो हमारा सिमिंग अलाउंस है उसके ऊपर इस तरह से कटिंग करना है अब यहाँ से जो हमने मार्किंग की है जिस शेप में स्लिट के लिए उसको एज इट इज़ कट कर देना है तो अब आप देखिए ये जो हमारी कुर्ती है ये इस तरह के पैटर्न में कट हुई है इस तरह से इसके बाद अब हमने अपने फ्रंट वाले होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है सो जो हमने मार्किंग की है उस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेना है तो इस तरह से होल की एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है इसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है एंड जो पिन लगाई हैं वो रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हमने दो इंच फैब्रिक फोल्ड किया था सो यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे इस तरह से अब यहाँ से पिन निकाल लेंगे इसके बाद फ्रंट में हमारे ये दो पैनल हैं यानी दो पार्ट है सो इसमें हमने कांच पट्टी बनानी है सो जो दो इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से हाफ इंच डबल फोल्ड करके इस तरह से एक इंच की पट्टी बना देनी है तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पट्टी बना दी है मैं आपको दूसरा करके दिखा देती हूँ यहाँ से हमने हाफ इंच लिया है इसके बाद इसको पौन इंच डबल फोल्ड किया है सो जहाँ तक हमारा दो इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहीं लाकर हमने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह से आप इसको आयरन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरह से पिन लगा भी सेट कर सकते हैं सो ये हमारी दोनों पट्टियाँ सेट हो जाएंगी अब हमने क्या करना है इनके दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा देनी है सो so, देखिए इस तरह से हमने पिन लगा दिया है अब यहाँ से किनारे से होते हुए हमने एक एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से अब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होकर आएंगे। अब इसके बाद हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कंदी के साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे यहाँ से और यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को ज्वाइन कर देंगे इसके बाद हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा लेनी है तो लीजिए कंधी लगाने के बाद हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है यहाँ आप देख सकते हैं फिटिंग को हमने यहाँ तक लाकर स्टॉप किया है यहाँ से हमने लगभग हाफ से पौन इंच फैब्रिक का दबाव दिया है सो तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये मैंने लगभग हाफ इंच फैब्रिक अंदर की तरफ रखा है मार्जिन के लिए इसके बाद अब देखिए हम स्लिट ऑफ फोल्ड करेंगे सो so, स्लिट फोल्ड करने के लिए हमने दो इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था सो so, फ्रंट वाले जो पार्ट का स्लिट है उसको हमने दो इंच पूरा यूज़ करना है यानी लगभग एक इंच का हमने डबल फोल्ड करना है इस तरह से सो so, ये हमारी पट्टी सिर्फ फ्रंट में डबल फोल्ड होगी एक इंच के दबाव पर इस तरह से सो so, पूरा दो इंच फैब्रिक हमने फ्रंट में यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर एक एक पिन लगा ली है इसके बाद अब हमने अपना बैक वाला स्लिट फोल्ड करना है सो बैक वाले स्लिट में हमने आधा इंच फैब्रिक ही इस तरह से डबल फोल्ड करना है इस तरह से यानी बैक वाले जो हमारी स्लिट है उसमें हमने दो इंच फैब्रिक यूज़ नहीं करना सिर्फ एक इंच फैब्रिक यूज़ करना है और हाफ़ इंच को डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरह से स्लिट बना देंगे तो यहाँ भी मैं एक, -एक पिन लगा रही हूँ सो so गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पिन लगा ली है अब बैक वाला जो हमारा स्लीट है वो एक्स्ट्रा है फ्रंट वाले से तो इस तरह से ये इसके ऊपर ओवरलैप होकर आएगा यानी अंदर साइड से ये इसके नीचे रहेगा अब हमने क्या करना है इसके किनारे से एक स्टिच लगा लेनी है अच्छे से लॉक करके और इसी तरह से दूसरे साइड में भी सो so गाइज़ इस तरह से देख सकते हैं आप हमने ये एक सिलाई लगा ली है दोनों स्लिट में और साथ में हमने इसके जो दामन था वो भी फोल्ड कर लिया है सो इस तरह से देख सकते हैं दामन मैंने क्वार्टर इंच फोल्ड किया है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा ये दामन फोल्ड हो चुका है एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा स्लिट भी अपना रेडी कर लिया है सो फ्रंट हमारा इस तरह से है और जो बैक वाला स्लिट है वो लगभग एक इंच एक्स्ट्रा है सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा इसके बाद हमने अपनी कॉलर बनानी है सो कॉलर बनाने के लिए हम अपनी कुर्ती के नेक का मेजरमेंट लेंगे सो तो नेक को हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से पकड़ना है और साथ में हमने इंची टेप को इसके रखना है और नेक को हमने खींचना नहीं है हल्के हाथों से इस नेक की गोलाई लेनी है सो तो जितनी भी गोलाई आती है उसी के हिसाब से हम अपनी कॉलर कट करेंगे सो तो यहाँ पर सवा नौ इंच की लेंथ पर हमारा नेक की गोलाई आई है इसके लिए हमने इक्कीस इंच की लेंथ पर एक फैब्रिक लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग साढ़े सात इंच है अब मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी इस तरह से इसके बाद हम इसको अच्छे से सेट करके फोर फोल्ड कर लेंगे सो यहाँ पर मैंने फोर फोल्ड कर लिया है ये ओपन वाली साइड है ओपन वाली साइड से हम अपने कॉलर की गोलाई लेंगे सो सवा नौ इंच की कॉलर की गोलाई आई थी और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे सिमिंग अलाउंस के लिए और इस मार्क को ऊपर कॉर्नर पर इस तरह से मिला देंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से सो so, कॉलर की कटिंग हमारी हो गई है अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है सो so, एक साइड से फैब्रिक को हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हम हाफ इंच का दबाव देते हुए एक सिलाई लगा देंगे सो so, यहाँ से हमने दोनों साइड से देखिए इस तरह से सिल लिया है इसके बाद साइड से कॉर्नर को हम कट कर देंगे और इस कॉलर को राइट साइड में टर्न करेंगे टर्न करते हुए हम बाहर की तरफ किसी भी नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर को शार्पली बाहर निकाल लेंगे इस तरह से अब हमने इसको हाफ में इस तरह से पकड़ के एक छोटा सा नॉच लगाना है एंड इसको हमने अपनी कुर्ती के नेक के साथ सेट करना है सो देख सकते हैं आप कॉलर को हमने रॉन्ग साइड में इस तरह से रखना है दोनों के सेंटर पॉइंट को सामने रखकर हम यहाँ पर पिन लगा देंगे इसके बाद कॉलर का ये वाला सिरा हम इस साइड में लगाएंगे और एक पेन हम इसको बीचों बीच बराबर पकड़ के लगा देंगे सो गाइज़ यहाँ पर हमारी कुर्ती के जो नेक है उसकी गोलाई और कॉलर की लंबाई बिल्कुल बराबर है सो so, कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं होता है तो so, ये हमने बिल्कुल नाप के कट किया है तो so, ये बिल्कुल बराबर है आप देख सकते हैं सो so, यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर हम एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से इसके बाद इस फैब्रिक को हम अंदर करेंगे जो सीमिंग अलाउंस रहेगा और यहाँ से हमने एक किनारे पर स्टिच लगा देनी है सो so गाइज़ इसी के साथ हमारी ये कॉलर रेडी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कॉलर रेडी हो गई है और जब हम आयरन करेंगे तो और अच्छे से सेट हो जाएगी अब हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है सो so, स्लीव बनाने के लिए मैंने देखिए काफ़ स्लीव इसकी कट की है जिसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ लेंथ इसकी ट्वेंटी इंच है आर्म होल विथ इसका साढ़े नौ इंच है और जो स्लीव ओपनिंग है वो लगभग छः इंच है इस तरह से अब इसके बाद हमारा ये कफ है कफ हमारा पाँच इंच है रेडी होने के बाद ये लगभग चार इंच रह जाएगा सो कफ हमने अपनी कलाई के अकॉर्डिंग बनाना है सो यहाँ पर मैंने दो कफ़ रेडी किए हैं ओपन करने के बाद ये साढ़े छः इंच है और जो इनकी इस तरह से लेंथ है वो साढ़े नौ इंच है अब देखिए इसमें से मैं एक निकाल देती हूँ और आपको एक रेडी करके दिखा देती हूँ हमने इसको इस तरह से फोर फोल्ड करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लगभग डेढ़ इंच पर एक मार्क किया है हाफ इंच पर एक कट लगाया है छोटा सा अब जो हमने कट लगाया है यहाँ से हमने फैब्रिक को इंच डबल फोल्ड करना है दोनों साइड से तो एक एक सिलाई लगा इसको हम सिल देंगे इसके बाद हमने अपना कफ़ लेना है कफ़ को डबल फोल्ड रखना है और यहाँ से हाफ इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड रखेंगे और दोनों सिरों से यहाँ से और यहाँ से एक एक सिलाई लगा देंगे हाफ इंच के दबाव पर सो so, देख सकते हैं आप ये दोनों सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है इसके बाद हम अपना कफ यहाँ से कॉर्नर कट करेंगे और इस कफ को हम बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे सो so, अच्छे से देखिए हमने ये बाहर की तरफ टर्न कर लिया है अब देखिए हमारे कफ से लगभग स्लीव ओपनिंग दो इंच एक्स्ट्रा है तो हमारे कफ की जितनी भी फिटिंग है उससे दो इंच एक्स्ट्रा हमने स्लीव मोरी में लेना है अब इस ये मार्क मैंने बैक वाले पार्ट की तरफ लगाया यानी स्लीव का जो हमारा बैक पोर्शन होता है जो बैक साइड में आएगा अब इसको हमने यहाँ से हाफ करके एक छोटा सा नॉच लगाना है यहाँ से इसके बाद जो हमारा दो इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है सो इस दो इंच फैब्रिक को हमने यहाँ पर इस तरह से दो प्लेट बनाकर यूज़ कर देना है यानी यहाँ हमने दो इंच फैब्रिक खर्च कर देना है सो ये प्लेट्स मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी जिसमें हमारा दो इंच फैब्रिक यूज़ हो जाएगा और स्लीव ओपनिंग हमारी कफ के बराबर रह जाएगी इस तरह से ये दोनों प्लेट मैंने हाफ इंच चौड़ी बनाई है तो टोटल हमारा दो इंच फैब्रिक यूज़ हो गया है इसके बाद हमने कफ़ को स्लीव के रॉन्ग साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ से हाफ इंच का जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद इसको हमने बाहर की तरफ इस तरह से लाना है यानी राइट साइड में टर्न करके एक सिलाई लगा देनी है सो इस तरह से ये हमारा कफ रेडी हो जाएगा इसके बाद हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है सो यहाँ से हमने फिटिंग लगानी है और कुर्ती के आर माहौल के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव का आर माहौल रेडी कर लेना है तो देखिए एक स्लीव में हमने फिटिंग लगा लेनी है अब हमने इन दोनों स्लीव को अपनी कुर्ती से रेडी कर लेना है इसके बाद हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो जाएगी सो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और साथ में हमने यहाँ पर बटन भी लगा लिए हैं अब मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर वाली पट्टी जो फ्रंट वाली पट्टी है इसमें हमने काज बनाए हैं एंड जो हमारी बैक वाली स्लिट की पट्टी है उसमें हमने बटन लगाए हैं इस तरह से अब हमने इनको काज बटन को एक साथ इस तरह से लगा देना है सो इस तरह से ये हमारी कुर्ती का लुक आएगा और ये मैंने इस तरह से प्लास्टिक बटन लिया आप किसी भी टाइप के बटन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो ये बटन स्लिट से ऊपर भी इस तरह से रख कर अरेंज कर सकते हैं यानी आप इनको लेंथ में बढ़ाना चाहें तो बटन को और ऊपर तक लगा सकते हैं सो so, मैंने दोनों साइड में आपको रख कर दिखा दिए हैं इस तरह से आप बटन ऊपर तक भी लगा सकते हैं इसके बाद मैंने देखिए ये हमारी कुर्ती का जो सेंटर प्लेकेट है इसमें भी मैंने बटन लगा लिए हैं और साथ में हमने जो हमारा कफ था इसमें भी मैंने दो बटन के साथ काज बटन किए हैं सो so, गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि मैं हमेशा ऐसी लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन पोस्ट करती रहती हूँ साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर